10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. सिखों के एक धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि मनुष्य योनि प्राणियों में सबसे उत्तम योनि है, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक होता है जिससे वह अपने जीवन को शुभ और भवसागर से मोक्ष प्राप्त कर सके। इसलिए ईश्वर ने केवल मनुष्य को विवेक के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, परंतु अक्सर देखने में आता है कि मनुष्य इस अधिकार का प्रयोग ज़्यादातर क्षणिक आनंद एवं इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करता है। इस कारण वह जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति तथा इसको जीवन पर्यंत प्राप्त करने की सुरक्षा के प्रयासों में ही गुजार देता है। मनुष्य योनि का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति तथा मोक्ष। इसके लिए जिस प्रकार शरीर की ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के अंश आत्मा से साक्षात्कार की। ऐसा इसलिए क्योंकि विवेक केवल मनुष्य के पास होता है, इसलिए आत्मा से साक्षात्कार भी केवल मनुष्य ही कर सकता है। परंतु इसके लिए आत्मा का रास्ता आध्यात्मिक पथ से जाता है और इसके लिए मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर नैतिकता के पथ पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर सम स्थिति में प्रवेश करना होता है। बहरहाल एक साधारण मनुष्य जीवन की आपाधापी में इस मार्ग से कोसों दूर रहकर आत्म साक्षात्कार की कल्पना भी नहीं करता। ऐसा मनुष्य प्रकृति से निर्मित इस जड़ शरीर को ही स्वयं समझता है, इसलिए इसके अंतरूपी मुकाम यानी मृत्यु से वह बहुत ज़्यादा भयभीत रहता है। जैसे जैसे आयु के अनुसार शिथिल पड़ता जाता है, उसका भय और बढ़ने लगता है। जबकि आध्यात्मिक एवं नैतिकता के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कर्म फल से मुक्त होकर सम स्थिति को प्राप्त करके आत्मा से साक्षात करके ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति शरीर के स्थान पर आत्मा को स्वयं मानता है। वह मैं ईश्वर का अंश हूँ मानकर अपने आप को अविनाशी समझता है। ऐसा व्यक्ति शरीर के अंत का तात्पर्य केवल वस्त्र बदलने की प्रक्रिया की तरह समझकर मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता के संवाद के रूप में इसी रहस्य को समझाया गया है, जो पूरे प्राणी मात्र को यह संदेश देता है कि मनुष्य को मृत्यु के भय को जीतने के लिए आत्मा से संबंध स्थापित करना चाहिए। दूर दराज के गांवों की दावतों में भी पत्तल में खाना और कुल्हड़ में पानी पीना विशुद्ध देहाती करार दिया जाने लगा है, लेकिन हकीकत में यह चलन गलत दिशा का रुख कर चुका है। प्रदेश के किसी भी महानगर, जिला मुख्यालय के शहर और छोटे कस्बे में चले जाइए, नालियों में पॉलीथिन के साथ ही थर्मोकोल की प्लेटें, कटोरियां, चम्मच और गिलास बिखरे मिल जाएंगे। इनसे नालियां तो बंद हो ही रही हैं, इनके क्षरण की गति बहुत धीमी होने के कारण पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। अगर कुछ ही वर्षों में इतना प्लास्टिक धरती की कोख में जा चुका है तो अगले दो एक दशक की कल्पना करें। ऐसे में सरकार के इस कदम को सफल बनाने में हर प्रबुद्ध नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए। वस्तुतः सरकारी कार्यवाही अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक चेतना भी जरूरी है। इन पात्रों को न खुद खरीदें बल्कि दूसरों को भी न खरीदने के लिए प्रेरित करें। न्योते पर जाने वाले लोग कह सकते हैं कि अगर थर्मोकोल के पात्रों में भोजन परोसा गया तो दावत में नहीं आएंगे। सरकार पर्यावरण मित्र पात्र पत्तल कुल्हड़ को बनाने के लिए प्रोत्साहन देने जा रही है। वह
उन्नत यंत्र देगी और आर्थिक सहायता भी करेगी। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी। स्टॉप।